अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो रिश्तेदारों? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक ही होगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जी आज क्या दिन है? पता नहीं क्या दिन है, मुझे भी नहीं याद है। छोड़े, जो भी दिन है, मैंने सोचा कि आज कुछ खास करने के लिए तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है उसका ही व्लॉग बना के अपलोड कर देते हैं। जाहिर है दो तीन दिन से व्लॉग आ ही नहीं रहा। दो तीन दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा कि सयाम की तबीयत थोड़ी खराब थी। सर्दी आनी नहीं, सर्दी आ गई है। जैसे तब्दीली अभी आई नहीं, तब्दीली आनी है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि आती सर्दी और जाती सर्दी दोनों ही बीमार करती हैं, तो बस आती सर्दी ने सयाम को बुखार कर दिया और मुझे लगता है कि बच्चा आ गया है। जिससे खाने के लिए मंगवाया था खाना। ये देखो जी, ये मोहित साहब आ गए मेरी नानचने लेके, और ये आया दावर सयाम। ये सयाम के दोस्त हैं दोनों भाई, हेलो कर दो। अच्छा वो ये देखो तीसरा भी आया। ये सब सयाम के दोस्त हैं, लेकिन सयाम को तुम लोगों को पता है बुखार है अभी। थैंक यू ब्रो, चलो तू भी कर, बाय बाय। चलो भाई, ये लाजमी क्रिकेट खेल रहे होंगे, बल्कि नहीं खेल रहे। चेक करो यार, बिस्मिल्लाह क्या खूबसूरत शक्ल लग रही है यार चनों की। हम तो देसी लोग हैं भाई, नाश्ता यही करते हैं, और मेरे रिश्तेदार भी करते होंगे नानचने का नाश्ता। है यार ये आजकल ना बड़ा मुझे एक सवाल था घर है रिश्तेदार है, छड्डो कोई गल नहीं, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जाहिर है आपको अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ भाई। मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट प्योरिटी आपकी अपनी सेल्फ है। अगर आप अपनी सेल्फ को प्योरिटी नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा आपके कुछ भी करने का। भी देख लें जैसे कि व्लॉगिंग है, तो व्लॉगिंग भी तो मैंने अपनी सेल्फ को ही प्योरिटी दे के स्टार्ट की है ना। तो यहाँ से ऐसे हमारे दिन का आगाज हो गया। उसके बाद शाम को जाहिर है मौला के पास भी जाना है। मौला की जो दो रोज़ की डेली की जो मैं जलाती हूँ अगरबत्ती, बीबी सकीना सलामुल्लाह के नाम की दो जलती हैं, और बाकी जो मेरे रात को तो आपको पता ही जो चरागा होता है, लेकिन डेली अलम पे दो बीबी सकीना सलामुल्लाह के नाम की लाजमी लगाया करें। जिन जिन के घर में अलम लगा हुआ है या जो अलम लगवाना चाह रहे हैं या फिर जिनके पास है, खैर उन सबको पता होगा, मेरे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि दो जो रोज़ की अगरबत्ती है वो बीबी सकीना सलामुल्लाह के नाम की। तो यार वो मैंने ना कुछ ऑर्डर किए, मैं अपने जो है ना ये मास्क वगैरह जो मैं लगा कर तो चलें ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसे काफ़ी ज़्यादा तंगी हो रही है और फेस मैं भी रिवील कर नहीं सकती। वो भी किया तो सो बातें होना शुरू हो जाएंगी, तो जाहिर है फिर मुझे काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने आज अली को बोल दिया है और एक ऑनलाइन जगह से भी ऑर्डर किया है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन में मेरा ऑर्डर आ जाएगा, तो फिर और मज़ीद अच्छे ब्लॉग आपको मिला करेंगे। दोपहर दोपहर में अलम में दिखा दूँ आपको, मौला से भी मिलवा दूँ। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैका या अब्बल फजल लबास। देखें जी बिस्मिल्लाह। अच्छा मैंने अलम की जगह चेंज कर दी, क्योंकि जहाँ पे पहले अलम लगा हुआ था ये वाला छोटे वाला यहाँ पे, तो उससे ना मसला ये हो रहा था कि ये जो अलम का फर है ना, ये इसके साथ लग के शहीद हो गया था तकरीबन, ये आप देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है। तो फिर मैंने ना अलम की जगह ही चेंज कर दी, मैंने अलम की जगह चेंज करके मैंने यहाँ से चेंज करके यहाँ कर दी, इसके साथ भी लाइट लगा दी, और इसके साथ तो आप सबको बताया कि लाइट लगी हुई थी, देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अलम की जगह साफ़ रखी होती है। बस शाम को आएंगे और मौला के यहाँ बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम की जो है दो अगरबत्ती जलाकर आई ली वापस अपने कामों में चले जाएंगे। देखिए मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और ये मुझे जब मिला था मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे, मैं फिर बार बार एक ही बात कहूँगी कि मुझे ये मौला की तरफ से तोहफा है, ये खुद मेरे पास चल के आए हैं मौला, तो इसकी तो फिर नस्बत ही जाना अलग है, मेरे दिल के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी हम अगरबत्ती जलाते हैं, यहाँ पर भी जलाते हैं। नहीं बेटा आज नहीं, नैनी को लगा कि आज थर्सडे और हमने चरागा करना है, तो चरागा तो मैंने आपको बताया कि हम थर्सडे को लाजमी करते हैं, और वैसे बीबी सकीना सलामुल्लाह के नाम की दो अगरबत्ती जलाते हैं ना नैनी। और मेरी नैनी को मैंने एक चीज़ समझाई थी कि यार जब भी आपने मौला अब्बास के अलम के पास आना है तो सर पर चादर लेके आनी है, तो मैडम ने अपने दो तीन दुपट्टे रखे हुए हैं, बाल खुले हुए मेरी बेटी के, बाल नहीं बंधेंगे, तो वो देखिए अपना नेट का दुपट्टा लेके अलम के पास। लोग ना मुझे बताया करें अगर आप लोगों ने कोई ब्लॉग बनवाना होता है तो,
कि भाई मुझे कमेंट्स कर दिया करें कि भाई आप यहाँ जाएं या वहाँ जाएं या यहाँ व्लॉग बनाएं वहाँ व्लॉग बनाएं, तो मैं आप सबको व्लॉग जो है वहाँ का बना के अपलोड कर दूंगी। मुझे कुछ आइडियाज़ भी दिया करें, मैं नई नई व्लॉगर हूँ यार, मैं कहना बचपन तो व्लॉग बनाती आ रही, जरा मैंने पता हो कि व्लॉगिंग करनी की नहीं करनी। अच्छा, इसी वजह से ना मेरा मेन रीज़न ये भी है कि मेरे व्लॉग 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आते हैं। मैं ज़्यादा यही करती हूँ कि भाई मैं कहीं जाऊँ तो वही व्लॉग अपलोड करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपके पास एक अच्छा कंटेंट नहीं होगा आपका व्लॉग इतना चलेगा नहीं। तो फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा निकलना नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो फिर एकदम ही होता है और रोज़ ही होता है फिर। लिहाजा आजकल तो हम लोग ज़रा कामों में मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से नहीं निकला जा रहा। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि भाई यहाँ जाओ, ये करो, वो करो, फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो जगह जाकर एक्सप्लोर करूँगी और दिखाऊँगी भी। तो बस आप लोग मुझे नए नए आइडियाज़ दीजिए ताकि मैं नए नए ब्लॉग बना के आप सबके लिए शेयर करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग अभी चलते हैं नीचे। A few moments later. मिले जी मेरे सयाम से। आज मेरा सयाम कुछ बेहतर है, सयाम की 2 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वाओ, इधर देखे, मैं तो देखे, हाय कर दे। अच्छा हाय कर दे ना, अच्छा हाय कर दे, हाय नहीं नहीं आप करें, हाय हेलो करें। ये क्या कह रहे हो? चले जी, श्याम से भी मुलाकात हो गई, आप चलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। चले श्याम दोस्त के पास, श्याम दोस्त, दोस्त के पास, पहले 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 दोस्त, गुड बॉय, हाई फाई हाई फाई हाई फाई, गुड बॉय। चलो चले, यहाँ पे शाम हो गई और ये खेलने के लिए आ गए। ओए दोस्त, अब से हमने अपने दोस्तों से मिलना है। अब खेलोगे? मुझे नहीं आने देगा। चलो जिसे हमको एक और मिल गया, खेले रुताबा और उससे नहीं आना, फातिका ना। बस एक हमारे पास सोया हुआ महल भी है, वो सोई रहती है 24 घंटे, आएगी तो ज़रूर मिल पाऊँगी। मोइज़ और दावर ना, ये दोनों मेरी नेबर हैं उज़मा बाजी, उनके बेटे हैं, और इनको अच्छे तरीके से पता है कि सयाम को कैसे खुश करना है। ये दोनों बस इसीलिए सयाम के साथ खेलते कूदते रहते हैं और उसे खुश रखते हैं, और अब वो सयाम को ऐसे लग रहा है जैसे सयाम खुद खेल रहा है, जबकि उसके साथ तो मोइज़ खेल रहे हैं। सयाम खुश हो? सयाम खुश हो? ये है जी फातिका, जिसको मैं कह रही थी कि सोया हुआ महल है, फाइनली ये उठ गई और फिर हमने खेल स्टार्ट किया, और आजकल मेरा टाइम पास यही है शाम को। श्याम इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे नहीं खेलना और मुझे भी नहीं खेलने दे रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार श्याम के साथ भी तो खेला जा सकता है। श्याम को मैंने गोद में लिया और खेलना स्टार्ट किया, और यकीन करें इतना अच्छा मैं खुद अकेली नहीं खेल रही थी जितना अच्छा मैंने श्याम को गोद में लेके खेलना स्टार्ट किया। कभी कभी आपको बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए, आपकी एज कोई भी मायने नहीं रखती, अगर आपका दिल बच्चा हो ना तो कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। हम छोटे थे तो हमारे दोस्त भी हमारे माँ बाप ही थे, तो मेरे बच्चों को भी मैंने अपना दोस्त बना के रखा हुआ कि उन्हें हमारे होते हुए किसी और दोस्त की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, तो यहाँ पर करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वैसे कुछ खास तो नहीं था लेकिन फिर भी पसंद आना चाहिए। पसंद आया होगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सयाम के लिए दुआ कीजिएगा, और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह, मौला की ईमान में, अल्लाह हाफिज़। या अली वारिस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।